अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे। आज़ादी के दिन हमारे कुछ शुरू हो गए, सेमेस्टर ख़त्म हो गया यूनिवर्सिटी का। तो ये है कि कुछ दिन हमारे हैं, इतवार था और पिछले इतवार से मैं सोच रहा था मैं कहीं यानी कि जाऊँ। मैं इस इतवार सीन बन गया, बीच फेजर में इतवार बाजार जो लगता था ना वो अब लग रहा है कलिफ्टन में। तो लोकेशन फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, हल्केपुर की किसी ने गाइड की कि जियाउद्दीन हॉस्पिटल के साथ है, किसी ने गाइड की कि चाइना बीच के साथ है, किसी ने बोला है कि आप डोरमेंट मोड़ के पास चले जाओ और ये कि उधर से आप उल्टा मोड़ जाओ, सीधा चले जाओ, दो चुरंगी बाद आ जाएगी, बिलावा चुरंगी के बाद आ जाएगी लोकेशन। बारह लोकेशन देखते हैं, उधर लगता है संडे बाजार लगता है, हफ्ते को भी लगता है, इतवार को भी लगता है, इतवार को ज़्यादा लोग होते हैं, उधर जाके विजिट करते हैं। बाइक का कवर लेना था मैंने, अगर मिल गया तो मिल गया, ना मिला तो ना मिला, एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी अर्से हम देख रहे थे कोई बाजार वगैरह नहीं था, इन्जॉय हो जाता है हल्का फुल्का, बंदा नॉर्मल यानी कि हफ्ते वगैरह की चीज़ें भी ले लेता है। तो अभी चलते हैं बगैर टाइम में इसके उधर, ये है कि एक्टिविटीज आपको दिखाएंगे किस तरह मिल रही हैं चीज़ें, क्या है क्या नहीं है, लोकेशन भी आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, किसी ने लोकेशन बताई नहीं मुझे। तो ये है कि फिलहाल इसी के साथ जाते हैं, हल्का फुल्का खर्चा पानी ले लिए, खाएंगे पिएंगे हल्के फुल्के, इन्जॉय करेंगे। इंशाल्लाह 4 बजे का टाइम हो रहा है और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। दो भाई जा रहे हैं और ये है कि बस बिस्मिल्लाह करते हैं। आ चुके हैं जनाब, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे और लोकेशन गाइड कर देता हूँ आपको। पार्किंग वगैरह का सेटअप अच्छा है, अंदर पार्किंग प्रॉपर कर ली, बाइक सेफ, नंबर वगैरह रसीद मिल गई, तो सेटअप अच्छा है उसका, रास्ता भी क्लियर है। रास्ता इतना मुश्किल था नहीं जितना मैं सोच रहा था। देखो बिलावल चुरंगी है, सब ने देखी हुई है। तो ये है कि बिलावल चुरंगी से अगली चुरंगी पर आप आएँगे, बिलावल चुरंगी अगली चुरंगी पर आप आएँगे, सीधे हाथ पर मुड़ जाएंगे, बस आपको आगे जाके बाजार नज़र आ जाएगा। क्लियर से लोकेशन है, लोकेशन की ख़राब नहीं है। बाकी डिस्क्लोज करते हैं फिलहाल ये कि ये सेक्शन तो मज़े का नहीं है, आगे कुछ सेक्शन देखते हैं। और बड़ा बाजार हो तो फिर ये कि इन्जॉय हो जाए, कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो ऐसी, फिलहाल इन्जॉय करने हैं। कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है हमारा, बाइक का कवर एक टास्क ही है, लेकिन ये कि देख लेते हैं सीन वगैरह को इधर। तो भाई मेन टास्क पूरा हो चुका है, वो टास्क क्या था, कवर थे, कवर मैंने पूरी दराज छान मारी, यानी दराज दो टीके छान मारा मैंने, लेकिन वो बेकार तरीन कवर मिल रहे थे, 1200 1400 1500 कवर वही थे, थोड़े से फट जाए ना फट जाते हैं। अब बाइक पे इतनी एहतियात तो बंदा कर नहीं सकता, दोनों मैंने कवर ले लिए भाई कहीं ना कहीं से, गुजारे लाइक लिए हैवी नहीं लिए, लेकिन ये आपको चढ़ाक में घर जाके दिखाऊंगा दोनों बाइकों पे। अपनी बाइक का थोड़ा बड़ा कवर है, अब्बू की बाइक का थोड़ा छोटा है, उसको संग लगा हुआ है, तो मैंने बोला चलो नमी आजकल होती है ना ह्यूमिडिटी, तो बड़ा खतरनाक काम हो जाता है, रंग लग जाता है और ये सुबह पानी पानी होता है। मेन टास्क पूरा हो गया भाई, मेन कंसर्न मेरा यही था भाई, ये कवर मुझे ऐसा है खास अच्छा सा मिल जाए। अभी ये कपड़ों वाला सेशन है, कपड़ों वाला सेशन को छोड़ के नेक्स्ट सेशन में अभी ये के जाते हैं। बैग भी हैं जी, इम्पोर्टेड बैग है, और ये सिस्टम है सारा इसका, इस तरफ से यही सारे न्यू भी हैं, पुरानी चीज़ें भी हैं, रश भी नॉर्मल सा है, रात को रश आएगा अच्छा लगा। फिलहाल बैग लेना नहीं है हमने, तो ये कि चीज़ें अच्छी पड़ी हुई हैं वैसे, ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आ जाते हैं कि एडिडास की भी चीज़ें खड़ी हुई हैं। ये
लाइटें अच्छी खड़ी हैं, इम्पोर्टेड लाइट आ रहा पसंद कुछ। ये लेना बोला, मैं शॉपिंग करने आया हूँ। वो वाली नहीं चाहिए, आईफोन कवर। भैया कौन सा आईफोन का कवर है यार? इलेवन प्रो का। बारह यहाँ पे मत, कोई एक अच्छी चीज लो, इम्पोर्टेड आइटम। GPS ये 6S से मेरे ख्याल से। ये देखें भाई 150 के मेरे पास पड़ा हुआ, तो नीड लेता फिलहाल। सही है फुटबॉल की क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी वाले फुटबॉल का रेट पूछ लो, बस लेंगे तो नहीं बैठे, पता चलता है क्वालिटी का। फुटबॉल चेकिंग और ये प्रोफेशनल चेकिंग कर रहे हैं, फेक का रेट पूछो और अच्छी पसंद है, देखते हैं क्या करते हैं। ना पसूद है बाबा, ये सीखना नॉर्मल चीज़ें पड़ी हुई हैं वैसे, बस बच्चों के लिए होते हैं, कोई चीज़ें ज़रूरत की भी आ जाती है। वाह भाई ये मेरे लिए। कौन सा है? नाइकी है। कहाँ लिखा हुआ है ये? ना वाह सारे नाइकी कंपनी के हैं, घड़ी पड़ी है। इधर से को रेट पूछो। ये भी है आज खड़ी है। हमारे नबी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदते वक्त भैंस को। सेल नहीं है ये वैरायटी है भाई। लास्ट प्राइस एक से कम नहीं होगा, ये 100 रुपए के। ये 4 पीस है आपके 100 रुपए का, ठीक है भाई। इन दोनों का 100 लगा है, ये 500 आपके हो गए, इसके भी चलो 100 लगा लेंगे, 250 का है। ये आपके 5 और ये आपके 6 हो गए, ठीक है। ये गेम आगे जरील हो जाएंगे। बैठूंगा मैं क्या? नहीं करो सारे इधर गाड़ी है। ओवरव्यू कर लिया एक बार, वापस जा रहे हैं अभी। कोई चीज़ ऐसी पसंद नहीं है इधर, वैसे इंजॉय के लिए आ जाए बंदा, कुछ चीज़ें मिल जाते हैं जो भी टारगेट बना के तो इधर मिल जाते हैं। बाकी ये जो खिलौने वगैरह जो होते हैं, टॉयज वगैरह, वो बेच रहा था। टेक्निक में उसकी देख रहा था, बड़ी खतरनाक टेक्निक होती है इनकी सेलिंग। तो वो बेच रहा था भाई ये 500 वाली चीज़, 300 वाली चीज़, यानी एक खटारा सा एक उठा लिया उसने। एक गाड़ी टाइप होती है, 4 टायर लगे हुए थे बस, खत्म खाली। तो वो क्या रहा था ये 250 को, लेकिन मैं आपको 150। बड़ी ट्वेल्थ वगैरह का जो सीन होता है ना, वो ये होता है कि केजी के हिसाब से लाते हैं, यानी 40 kg 50 kg के पास एक पैकेज आता है, फिर उसके अंदर से कैटेगरीज कुछ बना देते हैं, कुछ ये कि रेट के हिसाब से उसको बेचते हैं मिक्सअप करके। तो ये होता है, इनको काफ़ी चीप पड़ता है, लेकिन ये कि अगर कोई बंदा अपने मकसद के लिए लेना है तो उसको भी सस्ता पड़ता है। तो भी कुछ भी यानी मसला, इतना बड़ा मसला नहीं होता,
ये भी अपने ये एक रोजी भी कर रहे होते हैं, बंदे का भी फायदा हो जाता है जो आता है लेने। जैसे हमें कवर मिल गया, फायदे का मिल गया, कवर का रेट मैं आपको बताऊँ तो 300 के 2 कवर मिल गया हमें। रात से मैंने मंगवाया था 1200 का कवर था, चीचड़े हो गए। ये देख सकते हैं भाई इस तरफ क्या नज़ारे हैं, पता नहीं कौन सी जगह है लेकिन समंदर है मेरे ख्याल से। जूतों वाला सेशन है सारा, इधर एक्सप्लोर करते हैं। फुटबॉल भी पड़ा है, फुटबॉल 800 की। इधर भी टॉयज हैं वैसे, मेरे ख्याल से ही मैं होके गए, हम पता नहीं होके गए नहीं होके गए, पीछे था कोई और सेशन है। तो आज भी इसको एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं, अच्छी खासी वॉकिंग हो रही है हमारी। क्या हाल है भाई? ठीक हूँ। जाम है, मेन चीज़ इनको मिल गई काम की, लेकिन वो जाम है। लेकिन जाम ऑयल कर देना। सही हो गया जाम है। अच्छा देखो, मेरी जो है ना, मैं कहीं जाता हूँ चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, क्या सिचुएशन है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ मैंने जो एनालाइज किया है ना, यहाँ आवाम तो यानी जो सेलिंग करने वाले हैं वो तो 90% यानी कि वही हैं, पठानी है और हमारे भाई जो हैं। और इसके अलावा ये है कि जो शॉपिंग के लिए आने वाले हैं ना, 80% वो डिफेंस के लोग हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। और इधर तकरीबन 80% गाड़ियाँ पार्कड हैं, आपको बैक कैमरे दिखाए थोड़ा। देख लिया आपने जैसे कि गाड़ियाँ कितनी पार्क हैं, तो 80% इधर ये डिफेंस के लोग आते हैं। आते क्यों भाई? देखिए इधर एक तो चीज़ें भी यानी कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। हम इम्तियाज़ जाते हैं, एप्पल स्टार जाते हैं, तो यानी कि हमारा पर्पज़ जो होता है वो नॉर्मल यानी कि शॉपिंग भी कर ली और ऊपर वाले सेक्शन में भी चले जाते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं लेते, कभी कभार कुछ ले लेते हैं। या वहाँ सेलिंग रेशियो तकरीबन 10% होती है, तो वही सेटअप होता है, इधर भी आ जाते हैं। और इधर ये है कि आके इन्जॉय भी कर लेते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ ले ली, सब्ज़ी ले ली, फ्रूट ले लिए, बच्चों के साथ आ गया, इंजॉय हो गया, वीकेंड होता है, तो इस तरह के सीन होते हैं। इस वजह से ये है कि आवाम यहाँ पर आते हैं। और अगर ये कि आप आना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप आ जाएँ, बिल्कुल आ जाएँ। इतना बड़ा टारगेट बना कर नहीं आइएगा कि हमें कोई 1-2 लाख का आईफोन मिल जाएगा सस्ते में, इस तरह का सीन नहीं है इधर। लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, काम की चीज़ें मिल जाएंगी। जिस तरह हमारा कंसर्न आज था ना भाई, कवर मिल जाए मुझे बाइक के, जो कि ना फटें, अच्छे हों, सस्ते में मिल जाएँ। 300 के 2 कवर मिल गए, एक फुल साइज़ में, एक अच्छे साइज़ में, दूसरा वाटरप्रूफ है, एक वाटरप्रूफ नहीं है। वाटरप्रूफ में बड़ा नहीं था, फिर मैंने नॉन वाटरप्रूफ में ही ले लिया, क्योंकि बारिश कभी कभार आती है, नॉर्मली ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी कपड़े के अंदर से तो नहीं जाएगी, वैसे इतना सीन नहीं होता। तो ये ओवरऑल सीन होता है। पीछे देखिए ग्राउंड है, ठीक ठाक बच्चे खेल रहे हैं, और ये कि खूबसूरत था मौसम हो रहा है। पता नहीं आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी बाहर, इसी पर आप ये कि करें, इंजॉय करें। मैं आपको लोकेशन थोड़ी दिखा दूँ बैक कैमरे से। दाल से मंगवा लें, दाल से खाते हैं, इसमें यानी कि बीमार होने का खर्चा कम होता है, तो ये है कि यही खाएंगे, इंजॉय करेंगे। बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, देखिए वो क्लाउड्स के अंदर उधर देख, बड़ी ख़तरनाक बिल्डिंग है यहाँ पर। इधर देखिए पता नहीं क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, तुर्की में जैसे ज़लज़ला है उसी तरह ही लग रही है ये बिल्डिंग है मुझे। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इसकी लोकेशन मैंने सर्च की तो लोकेशन इसकी आई नहीं है, क्या पता लोकेशन इसकी मैप में ऐड नहीं की किसी ने, तो मैं कोशिश करता हूँ ऐड कर देता हूँ लोकेशन। पिक्चर वगैरह मेरे पास होंगी, कुछ पिक्चर कैप्चर कर लेता हूँ ताकि लोगों का फ़ायदा हो। इस तरह की चीज़ें मैं हरकतें करता रहता हूँ, और अगर लोकेशन ऐड हो गई, सक्सेसफुली सबमिट हो गई और अप्रूव हो गई, तो मैं इंशाल्लाह इसकी लिंक दे दूँगा, ताकि टॉप एंड टॉप आप आ जाएँ, इंजॉय करें। और ये कि दुआएँ हमें अच्छी खासी पार्किंग है, पार्किंग दिखा। प्रॉपर सेफ पार्किंग है, पार्किंग में ये बंदे को खड़ा करना चाहिए। नॉर्मली लोकल रोड पे भी खड़े हुए थे जो रोड ब्लॉक भी कर रहे थे, और ये है कि उनका नुकसान भी हो जाता है कई बार 20-30 रुपये बचाने के चक्कर में।
मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं नमाज का टाइम क्या है, देखते हैं टाइम क्या है, कोई प्रॉपर जमात का सेटअप है या नहीं है। डीजे वाले वैसे पार्किंग अच्छी रखते हैं और ये कि नमाज का सेटअप भी अच्छे ही रखते हैं। 15 पे नमाज है और ये कि लोटे से वजू करना पड़ेगा। मुझे वही कहावत याद आ गई, भाई सुबह का भोला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे लोटा देख के लौटा देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, पानी का इंतज़ाम था, इमाम साहब भी थे, प्रॉपर टाइम पे जमात हुई है, अच्छी खासी तादाद थी नमाजियों की, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन सेटअप है। हल्का फुल्का खाते पीते हैं, उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह घर की तरफ रवाना होते हैं। लोकेशन तो मैं बता रहा था, तो लोकेशन ऐड हो गई है और ये है कि लोकेशन की लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो ये है कि उस लोकेशन को फॉलो करके टॉप एंड टॉप इधर आ सकते हो, वरना ये कि मैनुअली मैंने लोकेशन बता भी दिया आपको और मैनुअली आना। ये रहा जनाब मेन्यू, बिरयानी मंगवाई हमने दो, ये देखें ये कवर लिए पूरा पैक हो गया, देखें इसकी जगह भी बनी हुई है जहाँ से टाइट होता है, यहाँ कोई इसकी जगह भी है और इसके अंदर ये रबड़ भी लगा हुआ है। क्वालिटी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। दूसरा चढ़ा रहे हैं वो वाटरप्रूफ है, वो भी देखते हैं क्या सीन है उसका। ये कवर 900 तक होता है लेकिन फट जाता है, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। बड़ा मजबूत कवर है, फ्लेक्सिबल है, फिट भी आ जाते हैं। फिर देखें वाटरप्रूफ मैंने जान के नहीं लिया, साइज़ कम था, लेकिन ये कि दूसरी बात ये है कि वाटरप्रूफ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। दूसरा ये रहा, ये वाटरप्रूफ है, ये भी मैंने ले लिया, तो इसमें क्योंकि जंग हल्का फुल्का लगा हुआ है, मैंने बोला भाई गुजारा हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ क्वालिटी देख सकते हैं। अबू की बाइक हो गई, वो मेरी बाइक हो गई, फिट सीन हो गया। यहीं पर व्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलेंगे।